खबर हुशियारपुर के नाल लगते पिंड डगाणा खुर तो सामने आ रही है जिथे सरपंची के उम्मीदवार प्रवासी मजदूर रामबाई 107 विचों 47 वोटा लैके उसने जित हासिल की है। जिथे खड़ी विरोधी उम्मीदवार सीमा नू सिर्फ 17 वोटा पईआं। इस मौके रामबाई ने दस्या कि वह पिछले 25-30 साल तो इसे पिंड दे विच रह रहे ने अते इस तो पहला भी वह इसे पिंड दे सरपंच रह चुके ने। उन्हां दस्या कि जो पिछले 5 साल च इस पिंड विच वह पूरा करनगे। नाल ही उन्होंने पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं होइआ कहा कि उन्हां पिंड वासियों का धन्यवाद किया अते कहा कि जिन्हां ने लगातार उन्हां नूं दूसरी वार सरपंच चुण के पिंड दे विकास लई उन्हां नूं जिताया है, उन्हां ते भरोसा जिताया है, उन्हां दा धन्यवाद कर रहे ने। तां पिंड दे विच पूरा विआह वर्गा माहौल है, घर दे विच खुशियां मनाईआं जा रही ने। तां वड्डी खबर इस वेले दी सामने आ रही है कि होशियारपुर के नाल लगते पिंड डगाणा खुर्द तो जिथे सरपंची के उम्मीदवार प्रवासी मजदूर रामबाई 107 वोटा दे विचों 47 वोटा पईआं अते उन्होंने जित हासिल की है अते 25-30 साल तो वह इसे पिंड दे विच रह रहे हैं। तो तस्वीरां च देख सकते हो तो लड्डुआं दे नाल मूँह मिठा करवाया जा रहा है अते परिवार दे विच खुशी की लहर पाई जा रही है। तो तुहाडा इस खबर बारे की कहना है, इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर कर दिओ। तो इस वीडियो बारे तुहाडा की कहना है सानू कमेंट करके जरूर दसो। तो तुहानू एक बार फिर तो दस दिए कि खबर हुशियारपुर की है, पिंड डगाणा खुर्द दे विच एक प्रवासी मजदूर नूं सरपंच चुनिया गया है। तो इत्थे 107 वोटा दे विचों 47 वोटा इन्हां नूं पईआं ने अते उन्होंने दस्सिया कि वह 5 साल दे विच जो उन्होंने विकास नहीं किया क्योंकि वह पहला भी सरपंच रह चुके ने। तो उन्होंने जिहड़ा विकास पिछले 5 सालों दे विच नहीं किया वह इन्हां 5 सालों दे विच पूरा करनगे। तो उन्होंने खुशी जाहिर की है, घर दे विच पूरी तरह विआह वर्गा माहौल है, पूरे परिवार का मूँह मिठा करवाया जा रहा है। तो तस्वीर तुम वेख सकते हो कि किस तरीके दे नाल घर दे विच खुशी का माहौल है। तो इस वीडियो नू वध तो वध शेयर करो ताकि तुहाडे आले दुआले अते चाहुण वालियां तक वीडियो पहुँचे। इस खबर नू वध तो वध शेयर करो। तुहाडा इस खबर बारे की कहना है सानू कमेंट करके दसना ना भुलना। मेरा नाम है जी रामबाई। रामबाई कहाँ की रहने वाले हो? हाँ मैं इलाहाबाद से जी। नहीं इधर इधर कहाँ रहते हो? इधर डिगाना खुर्द। आज किस सरपंची के लिए खड़े थे आप? सरपंच के लिए खड़े जीत गए हो? हाँ जी जीत गए। क्या कहना चाहोगे गाँव वासियों के लिए? सर गाँव वासियों के लिए तो ऐसे कहना चाहेंगे जो मैं सरपंच जीती हूँ जी असि पिंड से तो असि अपने इधर विकास करिए जी करना जेड़ा भी काम है असि बढ़िया जी कराना है जी। पहला हाँ भी कभी खड़े हुए जी? हाँ जी अभी मेरी सरपंची चलती थी जी। पहला भी सरपंच तो हाँ जी हाँ जी। किन्ना का विकास होया पिंड दा थोड़ी सरपंच पिंड छे तो देखो जी नरेगा दा भी काम कराया और गलियां भी बनवाया पा नालियां नु जेड़ा भी जेड़ा काम किया वो टोटल कितनी वोट थी? टोटल 107। आपको कितनी पड़ी? मेनू 45। और पंच कितने जीते हैं? पंच एक जीते हैं। एक सरपंच और एक पंच के लिए नहीं, नहीं उधर तो 5 पंच है ते नाले मतलब बोर्ड च एक जीते हैं। दो अब क्या क्या मुद्दे हैं आपके जो आप काम करवाएंगे गांव का? सर ये असी ये ना सिवरेस है तो गुरुद्वारे जे जो अपना गुरु घर दा सड़क है ओह बनवाना असी ते एक ना पानी दा ट्यूबे लगवाना है जी ते बाकी अपना जज घर च जोड़ा रिपेयर वगैरह है ते प्लास्टर है कलर है ये जो सब कराना है जी। ठीक है हाँ जी। क्या कहना चाहोगे गाँव वासी को जिन्होंने आपको जिताया? धन्यवाद कह दिया जी जो हमको जिताया जी। हाँ जी मैं जी आपका मेरा नाम राजू है। राजू जी कहाँ के रहने वाले? पीछे से पीछे इलाहाबाद। आप कहाँ रहते हो? अभी डिगाना खोर से। आज आपकी धर्म पत्नी बनी है सरपंच, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। कितनी देर से रह रहे हो पंजाब में? मैं तो यहाँ 20-25 साल से ऊपर हो गए। पहले भी बने थे सरपंच? पहले भी। क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों को? गाँव वासियों को मैं कह रहा धन्यवाद जो उन्होंने वोटा में चुना चुन किया था। ठीक है। गाँव की कितनी आबादी है? गाँव छोटा गाँव है। छोटा गाँव है।